चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, हमने एक विशेष दिन रखा है वीडियो कॉल से प्रार्थना का, और उस दिन हम लोग सिर्फ जिनके कोई गांठ है, रसौली है, ट्यूमर है, उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको मालूम है चर्च में कितने ही प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करते हैं, आम ही बात है। लोग आते हैं और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी इन पर दया करो, प्रार्थना कर रहे होते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपके जहाँ भी गांठ है आप वहाँ उस पर हाथ रख लो, अगर हाथ नहीं रख सकते तो अपने दिल पर हाथ रख लें। तो कई बार हम लोगों को ऐसे बताते हैं, खासकर कुछ बहनें, उनके पेट में गांठें होती हैं तो ऐसे उन्होंने ऐसे पकड़ा होता है उस गांठ के ऊपर, हाथ ऐसे रखा होता है, जो बड़ी बड़ी गांठें होती जो हाथ में आती हैं ऐसे पकड़ा होता है। तो जैसे ही हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से गांठें निकलें और प्रभु यीशु मसीह जी दया करो, और उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं और वो गांठ पिघल जाती है, खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। परमेश्वर जानते हैं किस तरीके से उसका ऑपरेशन करते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह उन्हें बिल्कुल चंगा कर देते हैं। कितनी ऐसी आए, ये कहानी नहीं है कि मेरे गांठ थी और अब मेरे ठीक हो गई है। वो अल्ट्रासाउंड लेकर आते हैं चर्च में और वो अल्ट्रासाउंड दिखाते हैं कि इतनी मोटी गांठ है, इतनी गांठ है, ऐसे गांठ है, और कईयों के पानी की गांठें हैं, कईयों के बच्चेदानी में गांठें हैं, और वो भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगा की। और जो गांठें होती हैं, हमारी एक बहन थी और तकरीबन उनके 24 साल तक उनके गांठ थी और बेहद वो दुखी और परेशान थी। एक दिन जब हम उनके घर पे गए और प्रार्थना के लिए, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ऐसे गांठें हैं, तो जैसे ही सिर पर हाथ रखा और कहा प्रभु यीशु मसीह इस पर दया करो, उसी रात वो गांठ हमेशा के लिए खत्म हो गई, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। सो ऐसे ही परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े जो है चमत्कार किए हैं। और जब प्रार्थना होती, पहले उनके अल्ट्रासाउंड में वो गांठें होती हैं, और जब प्रार्थना होती है वो गांठें निकल जाती हैं, और फिर वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें वो गांठें नहीं होती। आप देखिएगा हमारी गवाहियों में कि ननद है और उसके कितने रसौलियां थी, 3 रसौलियां थी, 3। कैसे पता चला? बच्चेदानी थी, अल्ट्रासाउंड कराया, उससे पता चला। सो अल्ट्रासाउंड कराया और उसके 3 रसौलियां थी, 3 गांठें थी, ट्यूमर थे 3। और जब उसके लिए इन्होंने प्रार्थना चर्च में लेकर आए थे, हाँ चर्च में लेकर आए, यहाँ चर्च में लेकर आए, उसके लिए प्रार्थना हुई और फिर वो निकल गई है, निकल गई, अल्ट्रासाउंड कराया तो ठीक है। सो अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड में वो नहीं है गांठें, वो निकल गई, हालेलुया। सो 3 गांठें थी और प्रार्थना से, ये ऐसी कहानी नहीं है, पहले वाले अल्ट्रासाउंड में वो 3 गांठें हैं और बाद वाले अल्ट्रासाउंड में वो 3 गांठें नहीं है। किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। गांठ थी तो पास्टर जी से प्रार्थना करवाई और प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। कैसे बहन के गांठ थी छाती पे और जब प्रार्थना करवाई, प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस गांठ को खत्म कर दिया और प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। और इसके छाती पे 2 गांठें थी और वो गांठें हाथ में आती थी, वो गांठें हाथ में आती थी, कितनी को बड़ी थी, हाथ बताकर बताओ कितनी बड़ी गांठ। सो देखिएगा, शर्माओ मत, बताओ ना, हाथ बताओ कितनी। सो आप ध्यान से देखिए, इतनी इतनी बड़ी गांठें थी छाती पे, 2 गांठें थी हाथ में आ रही थी, और अभी जब प्रार्थना हुई है अभी ठीक हुए, अभी हुने, अभी अभी प्रभु यीशु ने उन गांठों को दूर कर दिया, प्रभु यीशु ने चंगा किया है। मेरा आंसे इतनी मोटी गांठ होगी, क्या हुआ था, गांठ होगी इतनी मोटी, कहां पर गांठ थी, प्रार्थना और लागी ना, जो तब गांठ है ही कोनी। सो ध्यान से देखो इस बेटी को देखो, इसके यहाँ गांठ थी, कितनी बड़ी गांठ थी, इतनी मोटी गांठ थी, सबको दिखाओ थोड़ा सा, कितनी मोटी गांठ थी, इतनी मोटी
इतनी मोटी गांठ थी, इतनी मोटी गांठ थी। तो अभी जब प्रार्थना हुई तो अब प्रार्थना हो जाता है ही नहीं, अब खत्म हो। अब जब प्रार्थना की वहां गांठ है ही नहीं है, है ही नहीं। प्रभु ने चंगा किया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इनके गुर्दे में गांठ थी और अभी जब प्रार्थना हो रही थी तो इनकी गांठ बिल्कुल ठीक होगी, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अरे इनकी छाती पे गांठ थी, अभी पास्टर जी ने प्रार्थना की तो वो गांठ इनकी निकल गई, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सो आपकी छाती में गांठ थी, कहां गांठ थी? सो भाई के यहां पर गांठ थी और जब प्रार्थना हुई तो परमेश्वर ने चंगा किया, अब गांठ नहीं है, अभी नहीं है। सो परमेश्वर मसीह ने उस गांठ को निकाला है, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। कैसे प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, एकदम गांठें गैप कर दी। सो गांठ कह देते हैं कुछ लोग, रसौली कह देते हैं कुछ लोग, ट्यूमर कह देते हैं, और उसकी चंगाई के लिए वीडियो कॉल से आप प्रार्थना करवा सकेंगे। हम लोगों ने एक दिन का समय रखा है, शुक्रवार 10 जुलाई, शुक्रवार को 10 जुलाई रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, इंडियन जो टाइम है रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, शुक्रवार 10 जुलाई। और रात 10 बजे से 11 बजे तक हम लोगों ने रखा है, जो इंडिया के बाहर के लोग हैं, जो विदेश में हैं, क्योंकि विदेशों में बड़ी मात्रा में हमारे चैनल को लोग देखते हैं और हमें फोन करते हैं। सो जो विदेश में हैं, आपके लिए उस दिन 10 जुलाई शुक्रवार को रात 9 से 10 है और इंडिया के लोगों के लिए रात 8 से 9 है। तो इस समय में आप वीडियो कॉल कर सकते हैं और वीडियो कॉल से आप प्रार्थना करवा सकते हैं। हम लोग, मैं एक बार जो हमेशा कहता हूं, हमारे चर्च में बहुत बड़ा एक फ्लक्स लगाया, होर्डिंग लगाकर रखा हुआ है कि लोग मेरी शक्ति मेरी भक्ति से चंगे नहीं होते, एक है चंगाई करने वाला, वो है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे। हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे मिलकर, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे। हाँ, सो अगर आप हमारे चर्च की मदद करना चाहें तो आप अपनी भेंट, अपनी मन्नतें और डोनेशन जो भी आप चाहें, उपहार चर्च के लिए आप भेजना चाहें, आप भेज सकते हैं, आपका स्वागत है। और हम लोग जिनको अपॉइंटमेंट देंगे, हम लोग कॉल करेंगे आपको, आपको पहले, हम एक दिन पहले हम आपको सूचना दे देंगे कि उस दिन जो जिनके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स होगी, तो आपको बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बीमारी के प्रार्थना उस दिन होगी, परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, आशीष देंगे, और जो भी आप प्रभु के लिए बोएंगे, देखो कितना पैसा बीमारियों में, टूट फूट में, इधर कितनी जगह पे खर्च होता है, अगर आप परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, प्रभु के लिए दे रहे हैं, ताकि वो लोग जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर टावर में लोग हैं जो, उन लोगों का सब का खर्चा भी है जो निकलता है, और भी बहुत से चर्च के खर्चे होते हैं। सो इस लॉकडाउन में आपको मालूम है कि लॉकडाउन के कारण चर्च बंद हैं और चर्च में कैसे चर्चें खाली हुई पड़ी हैं, आपको मालूम है, सब आप बातें जानते हैं। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे, उसके बदले में भी जितना जो भी आप बोएंगे आप काटेंगे, लेकिन अगर आप इस दिन को आप याद रखिएगा, आपके लिए इंडियन लोगों के लिए टाइम रात 8 से 9 और विदेशी लोगों के लिए 9 से 10 है। परमेश्वर आपको आशीष दें और परमेश्वर आपके साथ रहें।